हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। तो आज का जो सेशन है एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डन कर चुका है। इसमें दो क्वेश्चन बनाया था और दो आपका लेफ्ट यानी बचा हुआ था, तो उस दो क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग अपना सेशन जो स्टार्ट करते हैं एक लाइन के बात करते हैं। तो देखते हैं आज का ये लाइन हमसे क्या कह रहा है। तो आज का ये लाइन आपके सामने है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो वी हैव टू कीप ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो थर्ड क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में से डन कर चुका है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के वो वीडियो पहले देखो, उसके बाद आप यहाँ पे आओ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंसर्ट कॉमास स्विटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये नंबर फॉर्म्स दे रखा है हमें, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले कॉमा पुट करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ठीक है। उसका क्या रूल है, उसे कैसे कॉमा पुट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखो, या फिर देख लिया तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें पहले हम कॉमा पुट करेंगे, उसके बाद उसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में उसके नेम लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे कॉमा पुट करेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है तो बिना कुछ नहीं देखना है, पहले कॉमा पुट ऐसे ही कर देते हैं। 1, 2, 3 डिजिट से पहले क्या लगेगा आपका, कॉमा लगेगा। तो आप पूरे नंबर को उतारो, 8759 5762, यही है 8759 5762। तो फर्स्ट थ्री डिजिट लेने हैं आपको, 1, 2, 3, 7 से पहले आप यहां पे कॉमा पुट कर दो। फिर टू डिजिट लेने हैं तो 59 से पहले कॉमा पुट कर दो। फिर टू डिजिट लेने 75 से पहले कॉमा पुट कर दो। तो ये आपका कॉमा पुट हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, नेम लिखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो रीड करके देखते हैं क्या बन रहा है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कुछ इस तरह से हो रहा है, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो देखते हैं उसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है। एट करोड़ 75 लाख 95,000 75,762 तो अब देख पा रहे होंगे 8759 5762 में कॉमा पुट किया थ्री डिजिट से पहले, फिर टू डिजिट, टू डिजिट, फिर ये सिंगल है तो छोड़ दिया। उसके बाद इसे रीड किया तो ये कुछ इस तरह से बना, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब हाँ, तो अगला ये चीज दे रखा है 8546283, उसी तरह कॉमा पुट करते हैं पहले। तो क्या है, थ्री डिजिट से पहले, तो नंबर उतार लेते हैं, क्या चीज है 8546283। तो फर्स्ट थ्री डिजिट लेना राइट साइड से, 1, 2, 3 यहाँ कॉमा पुट होगा, फिर टू डिजिट लेना है 4612 डिजिट, और ये आपका सिंगल ही रहेगा। अब इसे रीड करते हैं कैसे लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख। तो आई थिंक कुछ इस तरह से बनना है, 85 लाख 46,283 क्या है, 283, ठीक है। तो कुछ आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, नेम्स में डाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट ये है 9999 0046। तो क्या करेंगे, पहले कॉमा पुट करने के लिए नंबर कॉपी कर लो, 9999 0046। तो फर्स्ट थ्री डिजिट
1, 2, 3 याद रखना है, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में आप कॉमा पुट कर रहे हो, तो 1, 2, 3 से पहले कॉमा लगेगा, फिर 1, 2 से पहले कॉमा लगेगा, फिर 1, 2 से पहले कॉमा लगेगा। तो ये कुछ इस तरह से कॉमा आपने लगा डाला है, ठीक है। तो देखते हैं पढ़ के, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कुछ वर्ड में ये इस तरह से बनेगा, 9 करोड़, 99 लाख। देखो 9 करोड़, 99 लाख, बीच में कुछ भी नहीं है, जीरो है, लास्ट में डायरेक्ट क्या है, 46। सो 9 करोड़, 99 लाख, 46, ये कुछ आपका इस तरह से वर्ड में कन्वर्ट हुआ। चल हाँ, तो अब ये है नंबर डी में देखेंगे, 9843 2701। तो क्या करेंगे, कॉमा पुट करना है, सो 9843 2701। तो फर्स्ट थ्री डिजिट ले लो आप, 1, 2, 3 कॉमा है, 1, 2, देन नेक्स्ट 1, 2 आप यहाँ पे लगाओ। तो रीड करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। तो भाई करोड़ के टेबल में, तो करोड़ से स्टार्ट करेंगे, आई थिंक 9 crore 84 lakh 32,000 701 क्या है, 701 आई थिंक, देख सकते हो 9 crore 84 lakh 32,701 9 crore 84 lakh 32,701। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइस देखते हैं, अब नंबर थ्री कंप्लीट हुआ, नंबर फोर में ये कुछ इस तरह से है, इंसर्ट कॉमा स्विचेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को सॉल्व किया, अब ये दे रखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को और आप लोगों को ये पता भी होगा, तो वही चीज़ करना है जो इंडियन के साथ कर रहे थे, अब यहाँ पे इंटरनेशनल में करना है। पहले तो कॉमा पुट करना है, क्या करना है, इंसर्ट कॉमा स्विटेबली, देन यू हैव टू राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, इसमें कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, कॉमा पुट करने के लिए इंटरनेशनल में हर थ्री डिजिट से पहले कॉमा पुट करते हैं, बिकॉज थ्री यूनिट्स मिलकर के इसमें एक पीरियड बनता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2 ये कुछ इस तरह से है, तो थ्री डिजिट ले रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे कॉमा लगेगा, बस अब इससे आगे नहीं लग सकता बिकॉज इतना डिजिट ही नहीं है कि कॉमा पुट करे, ठीक है। तो अब इसे रीड करते हैं, रीड कुछ इस तरह से करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। सो आप देखो क्या लिखते हैं, 78,921,092 तो लिखेंगे 78 million, ठीक है, 921,092 तो ये कुछ इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लगाएंगे और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। हाँ तो गाइज नेक्स्ट ये है, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 ठीक है। कॉमा पुट करने के लिए नंबर्स को पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर से, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 क्या करना है इंटरनेशनल में, तो थ्री डिजिट्स को ले रहा है पीछे से, 1, 2, 3 आई थिंक यहाँ लगेगा, 1, 2, 3 आई थिंक यहाँ पे लगेगा। तो ये आपका कॉमा पुट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसे वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे होना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1,000,000 राइट। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7,452,000 क्या होगा, 452,283
क्या है 200 83। अब देख पा रहे हो 7,452,283 That's it. Next. हाँ, तो next ये कुछ अब देख पा रहे हो बोर्ड में 9985102 कॉमा पुट करेंगे सो 9985102 आप थ्री डिजिट को ले लो पीछे से 1 2 3 यहाँ कॉमा लगना है 1 2 3 यहाँ कॉमा लगना है आगे तो नहीं लगेगा बिकॉज उतने डिजिट से नहीं है उतने यूनिट से नहीं है कि आप कॉमा लगाने की जरूरत पड़े आपको तो अब इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 सो 99,985,102 सो देखते हैं इसमें कैसे लिखते हैं वर्ड में 99,985,102 क्या हो जाएगा 102 देख पा रहे हो 99,985,102 99,985,102 तो ये कुछ इस तरह से हुआ अब आगे देखते हैं हाँ तो नेक्स्ट आपका ये है 4804,9831 तो कॉमा पुट करने के लिए आप उतार दो पहले जैसे उतार रहे थे हम लोग पहले क्वेश्चन जो किया 4804,9831 ठीक है तो थ्री डिजिट्स को काउंट कर लेना है पहले से 1 2 3 आपका यहाँ होना है 1 2 3 आपका यहाँ हो जाना है ठीक है अब इधर तो लगेगा नहीं तो इधर क्या बन गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 सो यू कैन रीड इट 48,049,831 तो इससे लिखते कैसे हैं वो भी चीज़ देख लेते हैं 48,049,831 831 तो ये कुछ इस तरह से बना हाँ द स्टूडेंट्स अभी आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 अभी एंड हुआ है इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके इससे पहले वाले वीडियो में डाला है और कुछ क्वेश्चन इसमें रहा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखो वॉच करो समझो और बनाने की कोशिश करें जहाँ कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे क्वेरी को लिखें बताएं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और बाकी वीडियोस को अच्छे से देखें और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सामने आपका राइट साइड में आपको दिख रहा होगा चैनल करने का लोगो सब्सक्राइब करने का लोगो डाल रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर पाएंगे तो बस इतना ही थैंक यू सो मच